करे हमारे मुंह में ऐसी जबान, खुदा न करे, खुदा न करे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने शानदार वेलकम किया। दुआ है कि अल्लाह पाक की जात आप सबको कामयाब करे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, और जिस मकसद को लेके आप सब लोग अपने घरों से निकले हैं, आप इस मकसद को और इस ख्वाबों को आगे इसको मेहनत करें और आने वाले कल में इस मकसद में कामयाबी मिले। और वो तमाम ड्रीम, वो तमाम ख्वाब जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की तमाम जरूरियात को हम पूरा करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की जात हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि हम मेहनत करके अपनी लाइफ के तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकें, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें और अपनी मंजिल को पा सकें, कामयाबी को हासिल कर सकें। और वो जो लोग जो आपको बातें करते हैं, जो आपको डिसार्ड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको मायूस करते हैं, जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को कुछ करके दिखा सकें और उन लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें और आप पे फख्र करें और आपके नाम से आपके वालिदैन की पहचान की जाए, आपके नाम से और आपके नाम से आपके वालिदैन की पहचान हो, इज्जत हो, शोहरत हो, नाम हो, पहचान हो और अचीनकम हो, और आने वाले कल में लोग आपको कामयाब इंसान कहें, आप खुद कामयाब नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी कामयाब हो, और इंशाल्लाह आने वाले कल में से मुल्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा नेटवर्क बने, एक अच्छी टीम बने, एक अच्छा सिस्टम बने, जिससे आने वाले कल में आप भी कामयाब हो, आपकी टीम भी कामयाब हो, आप भी कार अचीवर बने, आपकी टीम भी कार अचीवर बने। मैं हर ट्रेनिंग में यही कहता हूं कि कामयाबी तब मिलेगी जब हम लोग कामयाबी को हासिल करने की अपने अंदर तड़प पैदा करेंगे। जब तक हम किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करते, तड़प पैदा नहीं होती हमारे अंदर, जब तक हम उस चीज को हासिल करने के लिए हम मेहनत नहीं करते, हम हार्ड वर्किंग नहीं करते, हम तब तक उस चीज को हासिल नहीं कर पाते। अगर तो लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, अगर अपना फ्यूचर चाहते हैं, अगर अच्छी इनकम चाहते हैं, अगर अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, अगर अपना माजी में जो गलतियां की उनको बदल कर अपने हाल को अच्छा करके अपना मुस्तकबिल अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर मुस्तकबिल को आप सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आप लोगों को अपने अंदर कामयाबी का पैशन लाना होगा, अपने अंदर जज्बा लाना होगा और अपने अंदर अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा और खुद पे जो आपने खुद फैसला किया है इस पे आपको 100% यकीन रखना होगा और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है कि यस आई कैन डू इट, इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो सकता हूं, मैं भी अपना फ्यूचर बना सकता हूं, इंशाल्लाह आज जो घर के हालात है इंशाल्लाह कल ये हालात नहीं होंगे, आज जो घर की सिचुएशन है इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह 2, 4, 6, 1 साल के अंदर, इंशाल्लाह 6 महीने 1 साल के अंदर मैं ये हालात बदलूंगा। आज गुर्बत है तो कल हालात बदल जाएंगे, आज जीरो हूं तो कल हीरो बन जाऊंगा, इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर कामयाबी मेरा मुकद्दर बनेगी। जब तक ये सोच आप लोगों में कन्वर्ट नहीं होती कामयाबी की, जब तक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों में नहीं आता कि आज मैं जो भी हूं नो प्रॉब्लम, लेकिन आने वाले कल में मैंने ये नहीं होना, आज वैसे मैं जेब खाली, मेरे पास कुछ नहीं, आज मेरे पास आने के लिए रेंट भी नहीं है, आज मेरे पास पे करने के लिए मेट्रो के 20 रुपए के टोकन के पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिलीव अगर आपको है कि आने वाला कल मेरा ऐसा नहीं होगा बल्कि आने वाले कल को मैं बदलूंगा, तो इंशाल्लाह आने वाले कल में मेट्रो तो बहुत दूर है, इंशाल्लाह आप अपनी गाड़ी पे आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात बिलीव की है सर, दुनिया में बहुत लोग कामयाब हुए, कामयाब होने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कामयाब होने के लिए आपको कोई बड़े हाई लेवल के सोर्सेज नहीं चाहिए, फ्यूचर बनाने के लिए कोई आपका बैकग्राउंड हाई लेवल का नहीं होना चाहिए, फ्यूचर बनाने के लिए कोई आपको अरब खरबपति नहीं होना चाहिए, सब फ्यूचर बनाने के लिए, हालात बदलने के लिए, कामयाब होने के लिए सिर्फ सोच होनी चाहिए कि मैंने हालात बदलने हैं, कि मैंने फ्यूचर बनाना है, कि मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, जो मैंने जिंदगी में लॉसेस किए वो तमाम लॉसेस को मैंने रिकवर करने हैं। अगर ये सोच बना के आप किसी भी फील्ड में आप इंटर होते हो, आपकी किसी भी फील्ड में एंट्री होती है, तो आप उस फील्ड के अंदर आप कामयाब जरूर होते हैं। सर जब तक हमारी सोच ही कोई नहीं होगी, जब तक हमें अपने किए हुए फैसले पे यकीन नहीं होगा, जब तक हमें अपने प्लेटफॉर्म पे यकीन नहीं होगा, जब तक हमें अपनी अपने जो अल्लाह पाक की जात ने सलाहियतें दी है, जब तक हमें अपनी सलाहियतों में यकीन नहीं होगा, तो सर कामयाबी क्या मिलेगी, काम क्या करेंगे और काम हमसे होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। और आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह पाक की जात ने आपको इतनी कम एज के अंदर इतना आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म दिया, इतना आउटस्टैंडिंग सिस्टम दिया, नेटवर्क मार्केटिंग। लोग जिंदगी के 50-60 साल लगा देते हैं, फिर जाकर उनको नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिलता है और पछता होते, काश यही प्लेटफॉर्म मुझे
जवानी मिल जाता का यही प्लेटफॉर्म आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं बल्कि आपकी चाहतों के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म जो कहते हैं मैदान भी है घोड़ा भी है दौड़ा लो जितना कमाने कमा लो। ये वो प्लेटफॉर्म जो समंदर है इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ को बदल दिया, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, लाखों लोगों को जीरो से हीरो बना दिया, लाखों लोगों को पैदल चलने वाले लाखों लोगों को उठाया और गाड़ी तक पहुंचा दिया। ये वो प्लेटफॉर्म है लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो आपको कामयाबी देता है जो 50 साल की कामयाबी आपको 5 साल में देता है तो वो प्लेटफॉर्म 50 साल की मेहनत भी आपसे मांगता है जिससे हम डरते हैं जिससे भागते हैं जिससे खौफ आता है। हम कहते हैं मेहनत ना करें और हम कामयाब हो जाए, मेहनत ना करें हमारा फ्यूचर बन जाए, मेहनत ना करें और हम लोग अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर ले, हम लोगों की बातों में आए और घर बैठ जाए नेगेटिव होकर बैठ जाए, हम उस एक्टिविटी को स्टार्ट भी ना करें और हम अपनी लाइफ को चेंज कर लें तो सिर्फ कहने से कामयाबी नहीं मिलती ब्रदर, प्रैक्टिकली करने से कामयाबी मिलती है। कहते कामयाब होने के 4 चीजों पे यकीन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अल्लाह पाक की जात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक की जात की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह पाक की जात ये सिस्टम दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, अगर हम यहाँ पर मौजूद है, हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीन मान रहा है, दिल मुतमिन है, हमारा काम करने को दिल कर रहा है, नीज के काम अच्छा है, मुझे दिल लगा के काम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक की जात के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। मीन्स इस काम के अंदर अल्लाह की जात की मर्जी शामिल जरूर होगी और है। पहला बिलीव अल्लाह पाक की जात पे, अगर अल्लाह पाक की जात ने रिस्क देने का वादा किया है, अल्लाह पाक की जात ने कहा कि इंसान रिस्क दूंगा वसीले बनूंगा, ये सोच के बैठो कि हो सकता है जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मुतारिफ करवाया, जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ज्वाइन करवाया, मे बी अल्लाह की जात ने उसको वसीला बनाया हो आपके लिए। मुझे भी किसने मैसेज दिया था ना फार्म नेटवर्किंग आप कर ले तो मैंने इसको अवेयर कर लिया। तो पहला बिलीव किस पे होना चाहिए, बोले किस पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, क्या आप सब लोगों को अल्लाह की जात पे बिलीव है? यस सर, का बिलीव है। हमें अपनी जान से ज्यादा अल्लाह पाक की जात पे बिलीव की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता बिलीव है। जब आपको अल्लाह की जात पे बिलीव है, जब अल्लाह पाक की जात ने खुद फरमाया इंसान इज्जत और जिल्लत मैं दूंगा, कामयाबी नाकामी मैं दूंगा, कोशिश तुमने करनी है, नीज के लोगों के बस में कुछ भी नहीं है, फिर अल्लाह पाक की जात को हाजिर नाजर रख के मेहनत करें तो कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है और अल्लाह पाक की जात ने किसी की मेहनत को आज तक जाया नहीं होता, जाने नहीं देती औलाद किसी की मेहनत को। क्लियर हो गया? पहला बिलीव अल्लाह पाक की जात पे, कहता मैं यहां पर आया हूं तो अल्लाह की जात ने आगे भी कुछ सोच रखा हो, अल्लाह ने आगे भी रास्ते मेरे बना रखे होंगे, अल्लाह ने आगे रास्ते मुझे बता देना है, ये सोच के आप किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो आपको कामयाबी हो जाती है। पहला बिलीव अल्लाह पाक की जात पे और दूसरा बिलीव कहते हैं खुद पे, अपनी जात पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर ये बंदा कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी हो जाऊंगा, आई कैन डू इट। खुद पे बिलीव सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह मैंने भी कामयाब होकर दिखाना है, मैंने भी इंशाल्लाह एक अच्छा लीडर बनकर दिखाना है, मैंने भी एक अच्छा ट्रेनर बनकर दिखाना है, इंशाल्लाह मेरी ट्रेनिंग से भी इंशाल्लाह हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, एक नॉलेज बेस्ड स्पीकर बनूंगा, इंशाल्लाह मैं लोगों को अच्छा मैसेज दूंगा, अच्छा मैसेज कन्वे करूंगा, इंशाल्लाह इस्लाम से रिलेटेड टॉपिक कन्वे करूंगा, इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे रास्ते पे चलाकर भटके हुए रास्तों से कर अच्छे रास्ते में लेकर आऊंगा और वो कामयाब हो जाएंगे। जब आपको खुद पे बिलीव होगा और जब आप इस काम को आप एक मिशन समझ के करोगे यकीनन वो कामयाबी मजीद आपकी आसान हो जाएगी। दूसरा बिलीव किस पे होना चाहिए, किस पे बिलीव होना चाहिए, पहला बिलीव अल्लाह पाक की जात पे, दूसरा बिलीव खुद की जात पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो यकीन। और तीसरा जो बिलीव होता है कहते हैं आप अपने सिस्टम पे होना चाहिए, आप जिस सिस्टम पे खड़े हो, जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस अदारे में काम कर रहे हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपको उस पर 100% बिलीव होना चाहिए। और नंबर 4 जो आप बिलीव है
वो है आप अपने उस्तादों पे, अपने सीनियर्स पे, अपने रोल मॉडल्स पे। हर किसी का एक एक ने रोल मॉडल होता है, हर बंदा किसी न किसी एक को अपना रोल मॉडल जरूर बनाता है कि सर मैंने इनको फॉलो करके कामयाब होना है। तो आपको बिलीव हो कि अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूं तो ठीक ट्रैक पर चल रहा है और मुझे भी ठीक ट्रैक पर चला रहा है, इंशाल्लाह खुद भी कामयाब होगा, मुझे भी कामयाब करवाएगा। तो चौथा बिलीव आपको अपने उस्ताद पे, अपने सीनियर पे, अपने मोशन पे आपको होना चाहिए। और एक बार याद रखिएगा, जितनी मर्जी बुलंदी मिल जाए, जितनी मर्जी कामयाबी मिल जाए, कभी भी आपने अपने मोशन को नहीं भूलना, क्योंकि जो कौमें अपने मोशन को भूल जाती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। समझ आ गया आपको? Yes, समझ आ गया आपको? Yes, कितने बिलीव है? पहला बिलीव कौन से बोले? कौन से बोले? कितने कौन से? कितने सर लोग आवाज बहुत कम है, अकेले की आवाज है कि पूरे हॉल में गूंज रही है। तो ऊंचा बोले पहला बिलीव, और दूसरा बिलीव, और तीसरा बिलीव अपने सिस्टम पे, और चौथा बिलीव अपने सीनियर, अपने उस्ताद, अपने रोल मॉडल, अपने हीरो जिनको आप फॉलो करके कामयाब हो रहे हैं, चौथा बिलीव उनके होना चाहिए। जब ये चार बिलीव आपके अंदर आ जाएंगे, जब ये चार यकीन आपके अंदर ऐड हो जाएंगे, आप ये चार यकीन आप लोगों में इंटर हो जाएंगे। और मजे की बात कहते हैं चारों बिलीव, चारों चीजें आप लोगों में हैं, वो बिलीव आपके सोचने के मुताबिक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब ये बिलीव के साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आगे लेके चलोगे, बेशक वो नामुमकिन हो, बेशक वो नामुमकिन हो, वो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा, बस शर्त है अगर उस बिलीव के साथ आगे बढ़ोगे। तो अगर किसी सिस्टम में आप तो खड़े हो, लेकिन बिलीव नहीं है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? लोग छोड़ दें, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या बातें हो रही हैं, क्या करेंगे, वो उनका हेडिक है, हमारा हेडिक नहीं है। हमारा हेडिक, हमें बिलीव है, हम मेहनत कर रहे हैं, इसका सिला अल्लाह के जाब्ते में जरूर देना है। अपने बिलीव को कंटिन्यू रखें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, हार्डवर्क करें, सिस्टम को समझ के करें, सीख के करें, सिस्टम के तह तक जाएं। और मैंने बहुत से लोगों को इनके जिम्मे काम भी लगाया हुआ था कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपने सर्च करनी है और आपने नोट्स बनाने हैं। तो अब न्यू लोगों को भी मैं ये कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को आपने गूगल पे, यूट्यूब पे आपने सर्च करना है, इसके बाकायदा नोट्स बनाने हैं, बाकायदा लिखने हैं, ताकि आपका विजन क्लियर हो कि जिस बिजनेस को मैंने, आपने, हमने ज्वाइन किया है वो कोई छोटा बिजनेस नहीं है, वो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री ने, उस बिजनेस ने, उस तो मार्केटिंग के बिजनेस ने कितने लोगों को कामयाब करवाया। जब ये चीजें आप खुद सर्च करोगे, जब ये चीजें आप खुद देखोगे, सुनोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, तो आपका विजन क्लियर होगा कि हम कोई छोटे सिस्टम में नहीं बैठे, बल्कि हम बहुत बड़े सिस्टम में बैठे हैं। हम उस सिस्टम में बैठे हैं जो 50 साल की कामयाबी आपको 5 साल में दे देता है। ओके? जितना आप लोगों की सुनते हो, लोगों को सर्च करते हो, उतना आप इस सिस्टम को सर्च करो, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को सर्च करो। यकीनन आपकी सर्च जब कंप्लीट होगी तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा, जब आप अपनी सर्च कंप्लीट कर लोगे। आप डिसाइड क्यों होते हैं कि आपने रिसर्च नहीं किया, आपको पता है बिजनेस कर पहुंच रहा हो, है क्या इसकी बेस, क्या है इसका पॉइंट, क्या है इसकी, इस पॉइंट किस पॉइंट को आगे लेके चल रहे हैं। जब रिसर्च हम नहीं करते, जब उसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, हम फिर ऑटोमेटिक डिसार्ड हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? तो कामयाब हो जाएंगे? अच्छा, किस चीज को खुद पे बिलीव है कि मैं कामयाब हो सकता हूं? आप तो बताइए किस चीज को खुद पे बिलीव है। थैंक सो मच। जब आपको बिलीव है तो बात खत्म होगी सर। अल्लाह की जात पे बिलीव तो ऐसे ही है, खुद पे बिलीव भी है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सीनियर स्ट्रॉन्ग है, तो बस मेहनत करना आपका काम है। स्पोर्ट इंशाल्लाह हम सब करेंगे, एक फैमिली है, सब मिलजुल के एक दूसरे का दुख सुनेंगे। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको फेस करने आप लोगों ने, कहते हैं यार मुश्किल के बाद आसानी है। अभी थोड़ा बहुत न्यू लोग हो तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। मैंने पहले कहा कि समंदर की गहराई का अंदाजा पार खड़े होकर लगा नहीं लगाया जा सकता। जब तक आप उस समंदर में उतरेंगे नहीं, तब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे भाई, समंदर की गहराई का अंदाजा लगाना है तो उसमें इंटर हो, सारा अंदाजा हो जाएगा। ओके? ओके? कामयाब होना होना पीछे वाले सारे नाकाम है, सोने तो इनको गुलामी की नींद में हो सकता है, ख्वाब आजादी के देख रहे हो,
सोने दिन को गुलामी की नींद में हो सकता है ख्वाब आजादी के देख रहे हो, तो मेरे भाई सोना नहीं है, ये टाइम सोने का नहीं है, ये टाइम आराम करने का नहीं है, ये टाइम इंजॉय करने का नहीं है, ये टाइम घूमने फिरने का नहीं है, ये टाइम मूवी एंड ड्रामे देखने का नहीं है, ये टाइम दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने का नहीं है, ये टाइम गलत एक्टिविटी करने का नहीं है, ये टाइम मेहनत करने का है, ये टाइम पैसा कमाने का है, ये टाइम सिस्टम डेवलप करने का है, ये टाइम एहसास बनाने का है, ये टाइम फ्यूचर सिक्योर करने का है, फ्यूचर बनाने का है, ये टाइम इज्जत शोहरत नाम पहचान अच्छी गाड़ी अच्छा घर वालदैन खाजुमरा गरीबों की मदद इन फ्यूचर अच्छी सेविंग इन फ्यूचर अपने एहसास से अपने एसेट्स बना लेना, ये टाइम इन चीजों को पिक करने का है। दो ऑप्शन है, जवानी में इंजॉय करो कुछ ना करो इंजॉय करो, बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। अगर जवानी में मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापे में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप बुढ़ापे को इंजॉय कर सकते। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो तो यकीन मान लो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, आप बुढ़ापे को इंजॉय करोगे, तो आप एक सिस्टम बना लोगे। और अगर आज आपने इंजॉय करते रहे कुछ ना किया, अपने हाथ हरामी रखी, यकीनन फिर आपको बुढ़ापे में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको जिंदगी के 40-50 साल के बाद भी आप किसी चौक में मजदूरी के इंतजार में खड़े होंगे, 50-60 साल की उम्र में आप किसी बैंक के सामने गार्ड खड़े होंगे, गार्ड की जॉब कर रहे होंगे, 50-60 साल की उम्र में आपके स्कूल के सामने गार्ड खड़े होंगे, आपके स्कूल के पियोन होंगे, आप किसी छोटी मोटी जॉब करके घर का गुजारा कर रहे होंगे, और फिर आपके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप कुछ करना भी चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आप फ्यूचर बनाना चाहोगे, आप लाइफ को चेंज करना चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुढ़ापे की जो जलालत है वो आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जो जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो आपके आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी नजर वीक हो जाती है, आपका वो स्टैमिना वो कहते हैं कि जो स्टैमिना हमारा स्ट्रोंग होता है वो चीज नहीं रहती, फिर हम जो काम जवानी में 24 घंटे कर सकते हैं हम बुढ़ापे में वही काम 24 घंटे वाला हमसे 5 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे हमसे नहीं होगा। समझ आ गया आपको? तो मेरे भाई इसलिए हम लोगों ने बुढ़ापे को एंजॉय करने के लिए आज मेहनत करनी है। ओके ओके। अच्छा कहते हो गरीब है तो यह गरीब हो मान लेता हूं, तो क्या गरीब रहना है? मुझे आज तक समझ नहीं आई कि यार जो बंदा ये कह रहा है मैं गरीब हूं तो ठीक है गरीब हो, और गरीब बंदा तो और मेहनत करता है और मेहनत करता है, और गरीब तो ना रात देखता है ना दिन देखता है, ना सुबह ना शाम देखता है, ना उसको सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, ना धूप ना चौ ना भूख ना प्यास, और गरीब तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पर्सन होता है, उसके अंदर कुछ करने का पैशन तड़प होती है पहले से होती है। हम गरीब भी हैं और नेगेटिव भी हैं, हम गरीब भी